नमस्कार किसान भाइयों, खेती गाड़ी प्रेजेंट ट्रैक्टर टॉक सीजन 2 के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैक्टर टॉक में हम किसान भाइयों ने पूछे हुए सवालों का जवाब देते हैं। ट्रैक्टर टॉक के सीजन 1 में किसान भाइयों ने बहुत शानदार रिस्पॉन्स दिया था, जिसके लिए किसान भाइयों के आभारी है। ट्रैक्टर टॉक सीजन 1 जैसा ही हम इस सीजन 2 में किसान भाइयों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाए लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज का पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं पूरन जी, पानी के टैंकर के लिए कौन सा ट्रैक्टर सही रहेगा? नमस्कार पूरन जी, पानी के टैंकर के लिए ट्रैक्टर चुनते समय कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पावर और क्षमता। ट्रैक्टर की पावर टैंकर के वजन और आकार के अनुसार होनी चाहिए। सामान्यतः 30 से 50 एचपी वाले ट्रैक्टर अच्छे रहते हैं, लेकिन यदि टैंकर बड़ा है तो 50 एचपी या उससे अधिक की शक्ति वाला ट्रैक्टर बेहतर रहेगा। हिच और कनेक्टिविटी। ट्रैक्टर का हिच और टैंकर के कनेक्शन के प्रकार को ध्यान में रखें। सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर का हिच टैंकर के साथ अच्छे से फिट हो और ट्रैक्टर के पास उचित कनेक्टिविटी और हाइड्रोलिक्स हो। चार पहिया ड्राइव। अगर आप मुश्किल और बेतरतीब सतहों पर चलाना चाहते हैं तो चार पहिया ड्राइव वाला ट्रैक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि यह ट्रैक्टर को बेहतर ग्रिप और स्थिरता प्रदान करता है। ब्रांड और सेवा। प्रसिद्ध ब्रांड जैसे महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, जॉन डियर और कुबोटा भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये ब्रांड अच्छे सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता प्रदान करते हैं। ईंधन दक्षता। ट्रैक्टर की ईंधन दक्षता भी महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब आपको बड़े क्षेत्र में पानी ट्रांसपोर्ट करना होता है। किसी भी ट्रैक्टर को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना अच्छा होता है कि वह आपके विशेष उपयोग और बजट के अनुकूल हो। अगर आपको ट्रैक्टर के बारे कोई भी जानकारी चाहिए तो आज ही हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहां आपको ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएंगे। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अनुराग जी, 60 एचपी में कम डीजल खपत वाले ट्रैक्टर बताएं और 60 एचपी का ट्रैक्टर ऑन लोड कितना डीजल खाता है? नमस्कार अनुराग जी, 60 एचपी का ट्रैक्टर खरीदते समय कम डीजल खपत वाले ट्रैक्टर पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर यदि आप लंबे समय तक उसे चलाने की योजना बना रहे हैं। हम आपको कम डीजल खपत वाले 60 एचपी ट्रैक्टर के कुछ उदाहरण बताते हैं। स्वराज 963 एफई डीजल खपत लगभग 4.5 से 5.5 लीटर प्रति घंटा, लोड के आधार पर बदल सकता है। फीचर्स। यह ट्रैक्टर पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट है और स्वराज की विश्वसनीयता के साथ आता है। फार्म ट्रेक 6055 डीजल खपत लगभग 4.5 से 6 लीटर प्रति घंटा। फीचर्स। उच्च गुणवत्ता, टिकाऊ और इफिशिएंट इंजन के साथ आता है। सोनालिका DI-60 डीजल खपत लगभग 4.5 से 5.5 लीटर प्रति घंटा। फीचर्स। अच्छी डीजल इफिशिएंसी और मजबूती के साथ आता है। 60 एचपी ट्रैक्टर पर ऑन एंड लोड डीजल खपत। 60 एचपी ट्रैक्टर की ऑन एंड लोड डीजल खपत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि ट्रैक्टर की स्थिति, लोड की मात्रा और कार्य की प्रकृति। सामान्यतः 60 एचपी ट्रैक्टर की ऑन एंड लोड डीजल खपत लगभग 4.5 से 6 लीटर प्रति घंटा होती है। यह खपत उपयुक्त तरीके से उपयोग और ट्रैक्टर की देखभाल पर भी निर्भर करती है। अगर आप डीजल की खपत कम करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर का इंजन सही से मेंटेन किया गया हो और नियमित रूप से सर्विस किया जाए। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, सर 50 एचपी में ट्रैक्टर लेना है, जॉन डियर 52 गियर प्रोलू या महिंद्रा अर्जुन 605 डीलो। नमस्कार सर, 50 एचपी फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में महिंद्रा अर्जुन 605 DI और जॉन डियर 52 गियर प्रो 50 दोनों ही अच्छे विकल्प हैं, लेकिन प्रत्येक के अपने विशेष फायदे हैं। चलिए दोनों ट्रैक्टरों की तुलना करते हैं ताकि आप निर्णय ले सकें कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। महिंद्रा अर्जुन 605 DI। विशेषताएं। इस ट्रैक्टर में आपको 50 एचपी इंजन मिलता है, जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक क्षमता 1800 किलोग्राम है। फीचर्स की बातें करें तो आपको इसके अंदर आरामदायक कैबिन, बेहतर सस्पेंशन
और कई आधुनिक फीचर्स है। महिंद्रा ट्रैक्टर आमतौर पर अच्छे ईंधन दक्षता के लिए जाने जाते हैं। फायदे: महिंद्रा की विश्वसनीयता और डीलर नेटवर्क मजबूत है। आरामदायक और टिकाऊ निर्माण, अच्छी हाइड्रोलिक क्षमता और पावर। जॉन डियर 52 गियर प्रो। विशेषताएं: इस ट्रैक्टर में आपको 50 HP इंजन मिलता है, जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक क्षमता 1800 किलोग्राम है। फीचर्स की बातें करें तो आपको इसके अंदर मजबूत निर्माण, बेहतर राइड क्वालिटी और कई आधुनिक फीचर्स है। फायदे: जॉन डियर के ट्रैक्टर आमतौर पर लागत में महंगे होते हैं। मजबूत और स्थिर निर्माण, अच्छी डीजल इफिशियंसी और व्यावहारिकता। अब देखते हैं तुलना और निर्णय। फ्यूल इफिशियंसी: दोनों ट्रैक्टर अच्छे ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन महिंद्रा की फ्यूल इफिशियंसी कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। कंफर्ट और फीचर्स: महिंद्रा अर्जुन 605 DI में अधिक आरामदायक कैबिन और आधुनिक फीचर्स हो सकते हैं। मूल्य और सेवा: जॉन डियर का मूल्य आम तौर पर ज्यादा होता है और इसकी सर्विस लागत भी ज्यादा हो सकती है, वहीं महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क अधिक व्यापक और मजबूत है। बिल्ड क्वालिटी और पावर: दोनों ही ट्रैक्टर मजबूत हैं, लेकिन महिंद्रा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता काफी सराही जाती है। निष्कर्ष: यदि आप एक मजबूत आरामदायक ट्रैक्टर चाहते हैं और आपको व्यापक सर्विस नेटवर्क की आवश्यकता है, तो महिंद्रा अर्जुन डी 605 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको अच्छे प्रदर्शन की तलाश में है, तो जॉन डियर 52 गियर प्रो 50 एक उचित विकल्प हो सकता है। स्था: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहे जयवंत सर। सर, मुझे 65 HP ट्रैक्टर लेना है, कौन सा मॉडल टॉप है? नमस्कार सर, 65 HP के ट्रैक्टर के लिए आपके पास कुछ अच्छे विकल्प हैं, जो बाजार में उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित मॉडल इस श्रेणी में शीर्ष पर हैं। 65 HP ट्रैक्टर के टॉप मॉडल्स: वेन जॉन डियर 50/65, महिंद्रा नोवो 655 DI3, सोनालिका 60 CRDI। खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें: 1. ईंधन दक्षता: ट्रैक्टर की ईंधन खपत की जांच करें, जो आपकी लागत को कम करने में मदद कर सकती है। 2. विश्वसनीयता और मजबूती: सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर टिकाऊ और भरोसेमंद हो। 3. सुविधाएं और आराम: आरामदायक कैबिन और उपयोगी फीचर्स आपके काम को आसान बना सकते हैं। 4. सर्विस नेटवर्क: ब्रांड का सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। आपके मन में भी अगर ट्रैक्टर विषय कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में #TractorTalk लगा के पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम हमारे अगले वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर। वहाँ पे आपको सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहाँ पे ट्रैक्टर कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रैक्टर इंश्योरेंस के लिए पूछताछ कर सकते हो, अपने खेती के लिए अच्छे औजार खरीद सकते हो। इन सभी के लिए जल्दी डाउनलोड कीजिए खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। जल्दी मिलेंगे अगले ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान, जय किसान।